अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनई टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एलसीडी प्रोजेक्टर की एक प्रॉब्लम को देखेंगे। ये यूनिक कंपनी का प्रोजेक्टर है जिसका मॉडल नंबर है UC40। इस प्रोजेक्टर में एक प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम को देखते हैं ये क्यों आया है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। ये यूनिक कंपनी का प्रोजेक्टर है और ये एलसीडी टाइप प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर के अंदर क्या क्या फंक्शन या क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इस पर मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको पता चले इस प्रोजेक्टर के अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम क्या आया है, जब ये प्रोजेक्टर ऑन होता है तो स्क्रीन के राइट साइड पर एक ब्लैक कलर का धब्बा नज़र आ रहा है, एक निशान नज़र आ रहा है। अब ये निशान क्यों नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको हम चेक करेंगे। अब ये एलसीडी टाइप प्रोजेक्टर है, इसके एलसीडी में ही प्रॉब्लम होगा तो हम इसे चेक करते हैं। तो इस निशान को ख़त्म करने के लिए हम इस प्रोजेक्टर को ओपन करेंगे। तो इस प्रोजेक्टर की बैक साइड पे पेज लगे हुए हैं, तो पेज की मदद से हम इन पेज को ओपन कर लेते हैं। जब सारे पेज ओपन हो जाएं तो प्रोजेक्टर को सीधा करें और सीधा करने के बाद इसका ऊपर वाला कवर उतार लें। और जब ऊपर वाला कवर उतारेंगे तो इसके ऊपर जो बटन मौजूद है उनकी तारों का एक जैक लगा होगा इस PCB पे। तो इस किट से हम ये तारों का जैक उतार लेंगे, इसको फिलहाल हम अलग रख देंगे। कवर उतारने के बाद यानी इस प्रोजेक्टर में एक LCD मौजूद है, उसका जैक इस PCB पे लगा हुआ है, तो इस जैक को भी हम एहतियात से उतार देते हैं। उतारने के बाद जो ब्लैक वाला पार्ट है इसके ऊपर भी स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये सारे पेज को ओपन कर लेते हैं। तो जी, पेज ओपन करने के बाद देखें, जब हम ये ओपन कर लेते हैं तो देखिए अंदर से तकरीबन हमें ये साफ ही सारा नज़र आ रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा निशान नहीं नज़र आ रहा जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन पे एक धब्बा पड़ रहा है। लेकिन हमें इसकी LCD में चेक करना होगा। ये LCD प्रोजेक्टर है तो इस LCD के अंदर से रोशनी गुजरती है तो तस्वीर बनती है, तो हम इसकी LCD को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखिए, जैसे हम इस LCD को बाहर निकालते हैं तो इसकी राइट साइड पर देखिए कुछ डस्ट मौजूद है, कुछ मट्टी मौजूद है, और इस मट्टी की वजह से हमारी स्क्रीन के राइट साइड पर एक धब्बा नज़र आ रहा था। अगर इसकी बैक साइड पर भी देखें स्क्रीन के, तो वहाँ पर भी ये मट्टी मौजूद है और इस मिट्टी की वजह से ही हमें स्क्रीन पे वो निशान नज़र आ रहा था। ये टिश्यू से मैं ये मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ। ये LCD है और इस LCD में से रोशनी गुजरती है तो एक प्रॉपर इमेज बन जाती है। ये एक LCD प्रोजेक्टर है। एक LCD प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, अगर आप नहीं जानते तो मैं इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हुआ हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो इस LCD को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। बाकी भी इसमें हमारे मिरर चेक कर लेते हैं, कीस्टोन का मिरर है वो भी साफ़ है और दूसरा एक सिंपल मिरर है। अगर मैं इसमें अपना स्क्रू ड्राइवर करूं तो आप देखें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अब आइए इसकी LCD को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। तो LCD को हम अच्छी तरह किसी टिश्यू और ब्रश के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट चिपकी हुई है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इस LCD को साफ़ करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसको किसी अच्छी सेफ जगह पर रखें, क्योंकि बहुत नाजुक होती है ये। बिल्कुल LCD वैसे ही होती है जैसे आपके मोबाइल की LCD होती है, लेकिन इस LCD के ऊपर कोई भी कोटिंग या कोई भी मिरर वगैरह नहीं लगा होता, ये प्योर LCD होती है। और इस LCD में से जब रोशनी गुजरती है तो एक आपकी तस्वीर या इमेज बन जाती है। इसलिए सबसे मेन पार्ट प्रोजेक्टर का यही है, इसको त्याग से साफ़ कर लें। और बाकी प्रोजेक्टर के अंदर भी थोड़ी डस्ट मौजूद है, उसको भी हम ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पंखा लगा होता है, एक ब्लोअर लगा होता है लेंस के साथ, जो कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है इस ब्लॉक में जितनी भी गर्मी होती है उसको बाहर निकालता रहता है। और जब वो ब्लोअर हवा सक करता है उसकी वजह से इस ब्लॉक के अंदर मिट्टी चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैंने ब्रश और ब्लोअर के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट मौजूद ना रहे। इस प्रोजेक्टर का जो पंखा है उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। अब हम अपनी LCD को एहतियात के साथ वापस लगा देंगे। और सबसे पहले हम जो इसकी LCD की वायर है उसको हम इस PCB में, यानी कि जो किट है, इसके ऊपर लगा देते हैं। लगाने के बाद इसकी बॉडी के सारे पेज लगा के हम इसका जो ऊपर वाला पैनल है, यानी कि जो बाहर वाला पार्ट है जिसपे सारे ऑन ऑफ के बटन मौजूद है, उसकी भी वायर लगा के हम इसे बंद कर देते हैं। तो इसका कवर बंद करने के बाद हम इस प्रोजेक्टर को पहले एक दफ़ा ऑन करके देख लेते हैं क्या हमारे सारे कनेक्शन प्रॉपर ठीक हो गए हैं या नहीं। तो मैं इसको पावर की तार लगाता हूँ, तो आप देखिए इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। अब इसको ऑन करते हैं तो आप देखिए प्रोजेक्टर ऑन हो गया है, इसमें से रोशनी खारिज हो रही है, यानी ये मुकम्मल ठीक है।
अब हम इसकी बॉडी के सारे पेज लगा के किसी दीवार पे इसकी प्रॉपर इमेज बना के देखते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट है। तो जैसे ओपन किया था इसकी बैक साइड पे, वैसे ही सारे स्क्रू को हम वापस लगा देंगे, उसके बाद उनको पेचकस से टाइट कर देंगे। तो स्क्रू लगा दिया है, तो आइए इस प्रोजेक्टर को देखिए ऑन कर लिया है। तो आप देखिए प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद इसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई है, और जो राइट साइड पे एक निशान सा नज़र आ रहा था वो निशान भी अब इसमें नहीं आ रहा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे कि LCD प्रोजेक्टर में अगर कोई ऐसा मसला आ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। इससे पहले यूनिक कंपनी का T6 प्रोजेक्टर है, उसमें भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया था, उसको भी ठीक करने का तरीका मैंने बताया था, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। Thank you.